हेलो एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, साथ ही साथ आप एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करते जाइए। सो आज के लिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द फोर कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। सो जो मेरे से क्लासेस लेते हैं उन्हें पता होगा व्हाई आई यूज टू एम्फेसाइज ओवर ऑर्गेनाइजेशन लाइक G7, G20, OECD, UN के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उन सभी को। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और जो भी यहाँ से इनपुट क्या लेना है कि जो भी UN के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हो जाते हैं इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ अदर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से PYQ करने से हमें क्या हेल्प मिली? हमें ये हेल्प मिली कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से हम ऑर्गेनाइजेशंस इम्पोर्टेंट हैं और उनको हमें न्यूज़ के साथ साथ कवर करते जाना है। अगर न्यूज़ में कहीं आ जाता है G7 की न्यूज़ है, G20 की न्यूज़ है, OECD की न्यूज़ है या फिर FAO न्यूज़ में आ गया है तो आपको पता होना चाहिए वो किससे रिलेटेड हैं, कब बनी है वो, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और वो मेन वर्किंग मैकेनिज्म उनका कैसा है। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। आंसर जो क्वेश्चन है वो ये इन्हीं चारों की तरफ रिवॉल्व करेगा और आप यहीं से आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, इतना आप सभी को करना है। अब आ जाता है, अब हमें देखना है कि G20 जो है उसमें फोर कंट्री कौन कौन सी है। सो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकोगे। देखिए G20 में 20 कंट्रीज हैं, नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है बट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? अगर आप मैपिंग बेस उसको करोगे, एक मैप बना लीजिए वर्ल्ड मैप, उसमें जो है G20 के जो भी कंट्रीज़ हैं उनको सिर्फ मार्किंग कर दीजिए। उस मैप को आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये इजीएस्ट वे है याद करने का। हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कैनेडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA, EU। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए मैप के थ्रू, या तो आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म उठाकर निमोनिक बनाकर याद कर लीजिए, ऐसे भी याद हो जाता है। ठीक है, सो निमोनिक आर समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग कि अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, याद करना है तो आप ऐसे भी करते जाइए। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग कि इनमें से कौन कौन सी हैं। अर्जेंटीना हमने किया, हाँ है, मेक्सिको भी था, साउथ अफ्रीका भी था एंड टर्की भी था। ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड नहीं था ना, यहाँ पर वियतनाम नहीं था, यहाँ पर सिंगापुर नहीं था। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाता है ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। यस, अब मैं आपको बता दूं कि CSET का कोर्स जो है हम 2 मंथ्स की ड्यूरेशन में लॉन्च करते हैं। सो आदित्य सर पढ़ाते हैं तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, Which of the following factors or policies they were affecting the price of rice in India in the recent past? Rice के किसको? Price को। तो something which will affect the price उसको हम include करेंगे। वो क्या क्या हो जाता है? MSP। MSP ज़्यादा होना या MSP कम अनाउंस होना या फिर सिर्फ MSP ही अनाउंस होना, ये खुद कि मार्केट में जो प्राइस मैकेनिज्म है उसको इफेक्ट करता है। अब आप बोलोगे कैसे? अब देखिए, गवर्नमेंट ने MSP अनाउंस किया है तो जो अदर डीलर्स होते हैं, प्राइवेट डीलर्स होते हैं, उनके ऊपर ये कंपल्शन हो जाता है कि उन्हें ये जो प्राइस है इसके आसपास रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कम रख लेंगे तो उनको कोई अपनी क्रॉप्स नहीं देगा। और वैसे तो ये फ्री होता है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई, बट क्या होता है कि एक तरीके से कंपल्शन भी हो जाता है कि बहुत सप्लाई को होल्ड करके, डिमांड क्रिएट करके आप प्राइस को बूस्ट अप कर देते हो, तो वो भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो हाँ, MSP इफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ट्रेडिंग, जो गवर्नमेंट की ट्रेडिंग है, आप मुझे बताइए गवर्नमेंट ट्रेडिंग कर रही है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग इंक्रीज करती है लाइक गुड्स, गुड्स में गुड्स क्या हो गई, क्रॉप्स हो गई, तो अब जो गवर्नमेंट ये ट्रेडिंग कर रही है तो इसका इफेक्ट मार्केट फोर्सेस पर आएगा ना, किस पर आएगा, डिमांड एंड सप्लाई पर। जब डिमांड एंड सप्लाई पर आएगा तो उससे प्राइस क्या होगा, इफेक्ट होगा। अब इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इन्होंने हमसे पूछा है प्राइस पर इफेक्ट किसका आएगा, ट्रेडिंग का इफेक्ट आएगा। अब वो ट्रेडिंग या तो गवर्नमेंट करे या तो वो बल्क में ट्रेडिंग डीलर्स करे, इफेक्ट होगा ना, यस। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग। अब मुझे बताइए स्टॉक पाइलिंग से क्या होगा, स्टॉक पाइलिंग से सप्लाई रेगुलेट होगा। जब सप्लाई रेगुलेट होगा तो सप्लाई जो है, जब सप्लाई जो है वो रेगुलेट होगा तो डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम जो है वो एक तरीके से कंट्रोलेबल हो जाएगा। स्टॉक पाइलिंग हो रही है दैट मींस सप्लाई कंट्रोल हो रही है मार्केट में। जब मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, सप्लाई को क्या कर रहे हैं, या तो सप्लाई को कम कर रहे हैं, अपने पास स्टॉक कर रहे हैं, जब अपने पास स्टॉक कर रहे हैं तो डिमांड क्या है वो इतनी ही है, सप्लाई क्या है वो कम हो गई, तो इससे प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड उतनी ही है, जब सप्लाई कम है डिमांड उतनी है तो प्राइस बढ़ेगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस इफेक्ट हो रहा है, यस। अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टॉक पाइलिंग नहीं करती, सप्लाई खुली छोड़ देती है, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी की उतनी है, प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट कंज्यूमर सब्सिडीज, कंज्यूमर सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, प्राइस उसके ऊपर तो प्राइस का डायरेक्ट इफेक्ट आना है ना, सब्सिडीज दी तो प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट तो उतनी ही है, मार्केट प्राइस कम हो गया, हुआ ना। मान लो गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या क्रॉप की, जो अमाउंट है दैट वॉज 100 रुपीज, बट गवर्नमेंट बोल रही है 50 रुपीज मैं दे देती हूँ आपको, आप कंज्यूमर को सिर्फ 50 में दीजिए। तो सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस क्या हुआ, मार्केट प्राइस कम हो गया। जब मार्केट प्राइस कम हुआ है तो प्राइस पर इफेक्ट आया है ना, तो ऑल द पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 ये जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा आंसर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके फीचर्स, तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इन केस ऑफ ऑल सेल्स, ऑल इन्होंने बोला है, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट तो ये बोल रहे हैं कि जितनी सेरल और पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं सबको एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाता है, दूसरा अनलिमिटेड प्रोक्योर किया जाता है, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, 99% चांसेस है ये गलत होगी, क्यों होगी, चलो हम आगे देखते हैं, पहले सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़े। इन द केस ऑफ सेरल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ये भी क्या हो गई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब मुझे बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देखिए सबसे पहले एमएसपी कितनी क्रॉप्स पे अनाउंस होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स पे अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब जितनी क्रॉप्स पे अनाउंस करते हैं उसमें से कौन कौन सी क्रॉप्स पे सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होती है, ओनली वीट एंड राइस, दीज आर टू क्रॉप्स जिन पर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होती है, और इन क्रॉप्स पर जो प्रोक्योरमेंट की जाती है, मीन्स कि बाकी पर भी प्रोक्योरमेंट नहीं की जाती, वो प्रोक्योरमेंट भी अनलिमिटेड नहीं होती। अभी मुझे बताइए गवर्नमेंट जो है मार्केट में सारा का सारा प्रोडक्शन खुद ही प्रोक्योर करके
FCI के जो गोडाउन है वहां पर अगर रख लेती है तो मार्केट में क्या होगा, स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी ना, फ्री मार्केट फोर्सेस तो नहीं रह जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, FCI जो है वो जो प्रोक्योरमेंट करते हैं वो उस प्रोक्योरमेंट का यूज़ क्या करते हैं, वो उसको PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब अगर सारा ही गवर्नमेंट ने ले लिया तो जो PDS के थ्रू नहीं लेते उनके पास क्या बचेगा, इसीलिए गवर्नमेंट अनलिमिटेड नहीं करती। दूसरा, सारी की सारी पल्सेज ओएसएस सेरल्स को नहीं करती, मोस्टली सिर्फ वीट एंड राइस को ही कर रही है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सेरल्स एंड पल्सेज MSP इज फिक्स्ड इन NS स्टेट एट ए लेवल। अब मुझे बताइए, क्या MSP इस लेवल पर कर सकते हैं जहां तक मार्केट प्राइस कभी बढ़ेगा ही नहीं? मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस, जो कि कैसी हैं, जो कि फ्री हैं, फ्रीली ये अनाउंस की जाती है। अब जब ये फ्री हैं दैट मीन्स ये इनका कोई लेवल नहीं है, ये यहाँ तक भी पहुँच सकती है, ये यहाँ तक भी गिर सकती है, समझ रहे हो आप, ये यहाँ तक भी पहुँच सकती है, यहाँ तक भी गिर सकती है, तो ये लेवल है। इसका मतलब हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मार्केट प्राइस इतना बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ सकता है, इसके चांसेस है, क्यों, क्योंकि मार्केट फोर्सेस फ्री हैं, सो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी होता है रॉन्ग। हमारा आंसर आता है डी, नाइदर वन नॉर टू। दैट इज नाइदर वन नॉर टू, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप आराम से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ, GS फाउंडेशन बैच जो है 23 एंड 24 के लिए आ रहा है, जिसमें हम आपको गारंटेड प्रीलिम्स एंड अशोर्ड मेंस दे रहे हैं, जिसके फीचर्स जो हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो जल्दी से आप इसको इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर सेइंग वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इंक्रीज इन द अर्बन एरिया व्हाइल इट डिक्रीज इन द रूरल एरिया। दे आर टॉकिंग अबाउट 1991 टाइम, ओके, इन विच ईयर 2020। अब 2020 में, दैट मीन्स ये टाइम पीरियड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड। नेक्स्ट, दे आर सेइंग द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्क फोर्स इज स्टेडिली इंक्रीज। यहाँ पे तो बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी कम हुई, यहाँ पे बोल रहे हैं परसेंटेज शेयर इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो तो हमें पता है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द रूरल एरिया द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इट इंक्रीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट दैट डिक्रीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? फर्स्ट दे आर सेइंग कि वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, अब ये क्वेश्चन कैसा है, दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, एलिमिनेशन इसमें नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है कि हाँ कहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं कहाँ नहीं। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी खुद से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कुछ एलिमिनेशन हो सकता है, प्रैक्टिस से उसको डेवलप कर सकते हैं या कहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट दे आर आस्किंग फॉर। यहाँ पर जो स्टेटमेंट थ्री है और जो फोर है वो राइट है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट जो है वो राइट नहीं है, ठीक है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं, सो आंसर इज बी, थ्री एंड फोर, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ये भी कहाँ से लिया है डेटा, ये हमने लिया है इकोनॉमिक सर्वे से। दे आर सेइंग कि LPG रिफॉर्म आए थे 1991 में, तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जो रूरल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स थी वो अर्बन एरिया में आने शुरू हो गई थी, क्यों, क्योंकि LPG के बाद हमने क्या किया, हमने वी प्रमोटेड द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो हमने हमारे जो टोटल हमारी जो इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी कर दिया, दैट मीन्स फॉरेन कंपनीज आएंगी, MNCs आएंगी, वो यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वो प्रोडक्शन होगा कैसा, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स अर्लियर जो पॉपुलेशन थी दैट वॉज इम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट विल नाउ शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इतना समझ आया। तो इसीलिए
इसीलिए ये तो इम्पोर्टेंट हो गया था कि इस सिचुएशन को अवॉइड ही नहीं कर सकते थे कि जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो अर्बन एरिया में ना आए, वो आते ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज दिख रहे थे। सो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है नाउ जो है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर थे वो इक्वल ही रहे थे, ठीक है, लेकिन जो रूरल वर्कर थे वो कम हो गए थे, इसीलिए जो परसेंटेज शेयर जो है वो कम हो गया था रूरल वर्कर्स का। देखिए रूरल एरिया में मोस्टली होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, अब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो था वो लाइक उसी के बेसिस पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिस पर ही हम जो है वहाँ पर काम करने का टोटल मेजरमेंट ले रहे थे। रूरल एरिया से वर्कर शिफ्ट हो गए अर्बन एरिया में तो टोटल रूरल वर्कर जो है उनका परसेंटेज शेयर जो है वो कम हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि नाउ दे आर काउंटेड इनटू अर्बन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो इसीलिए उनका परसेंटेज शेयर जो है वो कम हो गया था। एंड इसका ये है कि जो ग्रोथ रेट थी रूरल एम्प्लॉयमेंट में वो भी कम हो जाएगी, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फोर्थ जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ वर्कर जो है आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये है क्या, CPI एंड WPI, ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। सो जो RBI है पहले वो WPI के बेसिस पर एनालाइज करते थे, बट नाउ जो है RBI है शिफ्टेड टू CPI कम्बाइंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कम्बाइंड उसकी तरफ जो है ये शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि अब जो WPI है उसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों, अब मुझे ये बताइए गुड्स को तो आप होलसेल में परचेज कर सकते हो, सर्विसेज को आप होलसेल में कैसे परचेज करोगे, खुद से बताइए। सर्विस जो है, अब एम ए टीचर, मैं जो टीचिंग कर रही हूँ ये क्या है, सर्विस है। अब आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आप वो टीचिंग जो है इन वन डे, आप वन क्लास ले सकते हो, टू क्लास ले सकते हो, बट पूरा का पूरा सिलेबस एक ही बारी में तो मेरे से नहीं पढ़ पाओगे ना, वो क्या होगी, ग्रेजुअल प्रोसेस होगी। तो इसीलिए जो गुड्स हैं वो तो होलसेल में हो सकती हैं, सर्विसेज नहीं हो सकती। इस लॉजिक के साथ आप ये याद रखना कि WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, इतना याद हो जाएगा, वेरी गुड। अब जो है CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन दे आर सेइंग कि वेटेज ऑफ फूड जो है इन CPI में वो हायर होता है देन इन द होलसेल। तो ये आपको याद रखना होगा कि हाँ CPI में फूड का वेटेज जो है वो WPI से जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आपको ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला पॉइंट याद रखना होगा, और RBI किससे करता है, CPI कंबाइंड से। नेक्स्ट, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हाइल CPI डज, यस, क्योंकि WPI में सर्विसेज इंक्लूड ही नहीं की जाती। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंज द की पॉलिसी रेट। अब मुझे बताइए, RBI इन्फ्लेशन को मेजर करता है, RBI बताता है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करूं। इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर होता है, कंज्यूमर्स के ऊपर, और कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट कैसे परचेज करते हैं, कैसे बाय करते हैं, वो बाय करते हैं डे टू डे बेसिस पर रिटेल लेस क्वांटिटी में। सो इसीलिए अब अगर RBI को एक पिक्चर देना है कि हाँ मार्केट में इन्फ्लेशन कैसा है, तो वो रिटेल प्राइस के बेसिस पर देना चाहेंगे, ना कि होलसेल प्राइस के बेसिस पर। सो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि
आरबीआई डब्ल्यूपीआई के बेसिस पर मार्केट की सिचुएशन नहीं बताएगा। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस जो है वो किससे रिलेटेड है, वो जो मार्केट डीलर हैं जो होलसेलिंग में डील करते हैं उनसे रिलेटेड है। सो इसीलिए स्टेटमेंट 3 हो जाता है रॉन्ग, हमारा आंसर आ जाता है ए 1 और 2 ओनली। ठीक है, सो दैट इज ए 1 और 2 ओनली। यहाँ पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब मैं आपको बता दूँ ये भी कहाँ से है। आप कहोगे कि मैम सब कुछ सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से ही है ना, तो हाँ सब कुछ सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से ही है। ठीक है, सो इसीलिए जो फूड एंड बिवरेजेस जो हैं उसमें सीपीआई में उनका परसेंटेज होता है 45.9%, जबकि डब्ल्यूपीआई में ये सिर्फ होता है 24.4%। सो ज़्यादा किस में होता है, ज़्यादा होता है सीपीआई के अंडर। ठीक है, और बाकी वो किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, मैं हट जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।